जैसा कि मुस्कान शर्मा दुबई गई हुई थी अपने सॉन्ग के शूटिंग के लिए, दुबई से आ चुकी। हेलो गाइस, फिर से हमारी न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं मुस्कान शर्मा की वीडियो, जिसमें मुस्कान शर्मा दुबई से इंडिया आई है। मुस्कान शर्मा दुबई से इंडिया आई तो मुस्कान शर्मा के आगे क्या परेशानी आई, वो भी मुस्कान शर्मा अपने वीडियो में बता रही है। मुस्कान शर्मा की वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, और आप यह कमेंट्स में जरूर बताना है आपको मुस्कान और सादा में किसकी वीडियो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, और आप इंस्टाग्राम पर किसको फॉलो करते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पड़ी अपने घर की तरफ आते टाइम सब कुछ सॉर्टेड था, अभी जाते टाइम इतना सारा सामान हो गया, लगेज एक्सेस हो गया, क्योंकि एक जो मतलब मैंने ये जो मेरा ये वाला जो कोट है ये ही खुद 2 किलो का है, और तो इसलिए मैंने ऊपर ही पहन लिया। प्रॉब्लम वो नहीं था, बट ये सब तो ठीक है, बट एक मतलब बाकी सारी सामान भी उसमें आ गया, क्योंकि हाथ में लेके जाना दिक्कत होता है, क्योंकि फिर अकेले सब कुछ कैरी करना इज अ लिटिल डिफिकल्ट। लेकिन सबसे मज़े की बात ये कि एक रिलेटिव ने बहुत ही भारी सा कंबल, अच्छा एकदम गर्मी वाला बहुत मस्त कंबल था, अब वो कंबल का किलो ही 5.5 किलो है। वो 5.5 किलो, अगर 5.5 किलो का मतलब 1 किलो का 60 दिरहम है, ठीक है, तो कुछ 1300 कुछ है, तो अगर वो 5.5 किलो का मैं लगेज एक्सेस लगेज का पे करके जाऊंगी तो 7,500 रुपये खाली वो ब्लैंकेट को मुझे दुबई से इंडिया लेके जाने में लगेगा, तो मैंने वो यहीं रख दिया है, देखते क्या होता है। सॉरी मम्मी को आके बता दूंगी। देखते मैंने बोला कि उतने में 4 नए ब्लैंकेट आ जाएंगे। बाप रे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ अपने घर पे, और घर पे आने के बाद सबसे पहले नींद तो आ रही है, बट मैं बैक कैमरा से दिखाना चाहूंगी कि सुबह हमने खाया है, आरुष लाया है हमारे लिए शमी पोहा और उपमा, यही सब तो खाने का मन था। थैंक यू सो मच भाई, बहुत मिस किया मैंने तुम लोग को। मम्मी तो अभी जस्ट गई है, ले मेरा बट मैं भी खाना चाहूंगी, तो यही सब मैंने बहुत मिस किया। और मतलब पता नहीं क्यों सब चीज में दिक्कत नहीं होती, बट कुछ ना कुछ ट्रेजेडी होती है। तो मैं पहुंची 2:15 को, तो मैं लैंड हुई, बट बाहर निकलते निकलते मुझे 5 बज गए, बहुत सारे इश्यूज हो गए, ज्यादा नहीं थोड़े बहुत, बट फाइनली मैं पहुंच गई अपने घर। अब मैं यहाँ का खाना खा के सोती हूँ, बहुत ज्यादा सुकून। लाइक बटन को एक साथ दबा दो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर डालो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लास्ट तक देखते रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स।